नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर जमा ली है। पार्टी जल्द ही ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। इसके चलते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात भी की। समाजवादी पार्टी का यह ब्राह्मण सम्मेलन यूपी के बलिया जिले से शुरू होगा। ब्राह्मण नेताओं ने अखिलेश यादव को भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट की। परशुराम एक ब्राह्मण आइकन है और उनकी मूर्ति को खड़ा करने का कदम स्पष्ट रूप से सपा का ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कर लेने की कोशिश है। जिनकी आबादी यूपी में 10% से ज्यादा है और वो सरकार बनवाने और गिराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रदेश की ज्यादातर पार्टियों की नजर इसी वोट बैंक पर है। ऐसे में सवाल उठता है, विप्र वोटरों पर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया, ब्राह्मण वोटों से बदलेगा यूपी का सियासी समीकरण। 2022 चुनाव में किसे ब्राह्मण वोट का प्रसाद मिलेगा? समाजवादी के 5 पंच प्रधान कराएंगे बेड़ा पार। ब्राह्मण सम्मेलन से पार्टियों को मिलेगा 22 का बूस्टर। राज्य की हर बड़ी पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश में अपनी पहले जैसी पैठ बनाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के 5 दिग्गज ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की, के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही एसपी का ब्राह्मण सम्मेलन होगा। लगभग 2.5 घंटे तक बंद कमरे में सभी विधायकों के साथ अखिलेश ने बातचीत की है। समाजवादी पार्टी ने सदैव ब्राह्मणों को सम्मान दिया है। अगर आप छोटे लोहिया, जिनेश्वर मिश्र, ब्रजभूषण तिवारी, कामेश्वर उपाध्याय और विधानसभा के पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे और स्वयं 2004 और 12 की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में हमें काम करने का मौका मिला है सरकार में, तो ब्राह्मणों को सदैव समाजवादी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है। और ब्राह्मणों ने 2012 में सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। जाति विशेष और उसमें भी परिवार विशेष के लोगों को उपकृत करने वाली समाजवादी पार्टी कब तक जाति के कार्ड खेलती रहेगी? उत्तर प्रदेश अब जाति जमात की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। उत्तर प्रदेश अब विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। सड़क पर बात करें, सुरक्षा पर बात करें, रोजगार पर बात करें, ऊर्जा पर बात करें, लेकिन इन सारे मुद्दों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों में होड़ मची है कि कैसे वो जाति पर नंबर ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश विशेष करके ब्राह्मण समाज जो प्रबुद्ध समाज है, वो इस तरह की जात जमात की पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 10 से 11% है। ये संख्या भले ही अन्य जातियों की अपेक्षा कम हो, मगर यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। 10 से लेकर और 14 तक के आंकड़े लोग देते हैं। कोई 10 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई 13 कहता है, कोई 14 कहता है। भूमिहार और त्यागी ब्राह्मणों को मिलाकर ये संख्या उत्तर प्रदेश में बनती है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसके अलावा एक और बात कही जाती है राजनीतिक हलकों में कि ब्राह्मण जिसके साथ जाता है वो अपने साथ और भी जातियों को, समूहों को और ले जाता है और ओपिनियन मेकर के तौर पर ये रोल प्ले करता है सोसाइटी में। तो ब्राह्मण जिस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होता है वहाँ पर उसको बेनिफिट मिलता है। 2022 चुनाव के मद्देनजर हर दल ब्राह्मणों को अपनी तरफ रिझाने में जुटा है। अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और चर्चा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देते हैं। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अजीज खान साहब, प्रवक्ता एसपी, उमा शंकर पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब, सवाल आपसे है, अब MY यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर नहीं, अब BY यानी कि ब्राह्मण यादव फैक्टर समाजवादी पार्टी में चलेगा? लगने लगा कि ब्राह्मण को समेटे तो 2022 का चुनाव जीत जाएंगे। देखिए राहुल जी, आप नाम कुछ भी दो, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने नाम से ही समाजवाद का विस्तार करती है। जब समाजवादी पार्टी का नाम आता है, इसका मतलब सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय सबको साथ लेकर चलने की बात जी। किसी एक संप्रदाय या एक जात, एक धर्म की बात समाजवादी पार्टी नहीं करती। लेकिन चूंकि आप ब्राह्मण की बात कर रहे हो, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने सभी को सम्मान दिया। दलितों को सम्मान दिया, शोषितों को सम्मान दिया, अति दलित को सम्मान दिया, निषाद समाज को सम्मान दिया और बड़ा सम्मान दिया। यहाँ तक कि फूलन देवी जी जो तिरस्कृत थी, जिनको जिस तरीके से सताया गया था, मारा गया था, तमाम
तकलीफ दी गई थी उनको भी सम्मान दिया गया और उनको सांसद बनाया गया। रही बात ब्राह्मण समाज की, बहुत प्रबुद्ध वर्ग है और बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग है और इसको हमेशा समाजवादी पार्टी ने इसको तरजीह दी और इतनी तरजीह दी। आप देखिए लोहिया जी, लोहिया जी के बाद छोटे लोहिया का जो उपाधि दिया गया वो जलेश्वर मिश्र जी को दिया गया, उनके नाम पर जिस तरीके से इतना बड़ा पार्क, जो मेरे ख्याल से एशिया में सबसे बड़ा पार्क है, वो पार्क आज लखनऊ में विद्यमान है। तमाम तरीके की चीजें वहां पे कहीं ना कहीं है। ठीक सर, दूसरी बात आप ले लें तमाम यानी जो सम्मान की बात, ठीक है, तो सम्मान सभी जातियों को सम्मान समाजवादी पार्टी, ठीक है, मान लिया आपकी बात। हालांकि बीजेपी से ये सवाल करेंगे लेकिन उससे पहले कांग्रेस से समझ लेते हैं। उमाशंकर पांडे जी, सारा सम्मान का सारी जातियों का सम्मान करती है समाजवादी पार्टी और इसीलिए लगता है समाजवादी पार्टी को कि सारी जातियां उनके साथ हैं। देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, जिस तरीके से ब्राह्मणों का सम्मान कांग्रेस पार्टी में हुआ, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों का घर है, कांग्रेस पार्टी ने 1952 से लेकर अब तक 8 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए, उत्तर जी 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने जिसमें पंडित कमलापत त्रिपाठी, श्रीपत मिश्रा जी और नारायण दत्त तिवारी जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, बड़े नाम है। सब पता है इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो कांग्रेस के शासन काल के दौरान कितने ब्राह्मण चेहरे रहे मुख्यमंत्री के तौर पर सब जानते हैं। लेकिन सवाल उमाशंकर पांडे जी ये है कि समाजवादी पार्टी कहती है कि हम सभी का सम्मान करते हैं, अगर सभी का सम्मान करते तो आज बंद कमरे में जो मीटिंग हुई सभी ब्राह्मण चेहरे थे। सवाल यह है कि अगर सभी का साथ समाजवादी पार्टी लेकर चलती है तो और कोई किसी समुदाय या जाति का क्यों नहीं दिखाई दिया? देखिए समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या ब्राह्मणों का वोट हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, मैं पूरी चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाए, 4 बार समाजवादी और 4 बार बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाए, क्या इनको एक भी ब्राह्मण योग्य नहीं दिखाई दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए? एक भी ब्राह्मण इन्होंने नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह जी को बनाया, राम प्रकाश गुप्ता को, राजनाथ सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, अब योगी जी है, लेकिन एक भी ब्राह्मणों को डिप्टी सीएम तो है ना सर, नहीं बनाया। आलोक अवस्थी जी, सीएम का क्या मतलब है? आलोक अवस्थी जी, सीएम का क्या मतलब है? दिनेश शर्मा जी बेचारे बन के रहे। आलोक अवस्थी जी, केशव मौर्य जी ने सारा सम्मान तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही ब्राह्मणों का करती है। नहीं, कांग्रेस पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी ने भी कहा कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की जो आज स्थिति है जी, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कारण आप देख लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी को भी सर्वधर्मों ने वोट दे करके बहुमत सरकार बनवाई थी, समाजवादी पार्टी की 5 साल में सरकार भी सारे दलों ने वोट दे करके बनवाई थी, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी को 10 साल हो गए हैं कोई भी चुनाव जीते हुए वो चाहे, और यही आप समाजवादी पार्टी का ले लीजिए तो आज हर चुनावों में 2014 से लगातार हर चुनावों में समाजवादी पार्टी क्यों हार रही है? क्योंकि इन्होंने जनता को गुमराह करके सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया, एक परिवार की पार्टी बन के रही है, एक ही जो है कुनबा जो है राज करता रहा है इन पार्टियों में। समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ चर्चा में कह रहे हैं तो वो तो सबके साथ चलते हैं, सारी जातियों का साथ है, उनकी पार्टी का मकसद यही है, नाम से ही क्लियर है। मैं आपको आदरणीय उच्च न्यायालय के आदेश का मैं रेफरेंस दूंगा, जिस समय इनके एक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे अनिल यादव, उनको भंग किया भर्ती बोर्ड पे और उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी खुद सेटअप करी जी। और ये टिप्पणी करी कि जो है एक क्षेत्र विशेष के, जाति विशेष के लोगों को एक जो है भर्ती किया गया, यानी कि आप आए सबके वोटों से और उसके बाद जब आपको देने की बारी आई तो आपने जो है एक वर्ग को खाली संतुष्ट करने के लिए आपने कार्य किया, ठीक है। तो और यही काम बहुजन समाज अवधेश कुमार जी 2022 को लेकर क्या लगता है, जिस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक को भुनाने की कोशिश हो रही है और समाजवादी पार्टी की बात करें, MY फैक्टर अब BY में बदलता जा रहा है। देखिए जब पार्टियां हताशा में होती है, लगातार 2017-2019 के जो चुनाव परिणाम आए हैं सभी पार्टियों के लिए, भाजपा को छोड़ दे, वो अत्यंत निराशाजनक है, उनकी कल्पना से भी परे था। समाजवादी पार्टी या बसपा को ये कल्पना नहीं रह रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसी पराजय हो सकती है।
तो जाहिर है अब जब पार्टियां इन 5 सालों में लगातार जनता के मुद्दे को उठा करके आंदोलन करना, सरकार को घेरना, लोगों को अपने पक्ष में जागरूक करके खड़ा करना ये काम नहीं करती है तो फिर जातीय समीकरण बनाने की कोशिश करती है जी। और बसपा तो लंबे समय से जातीय एक जातीय समीकरण पर चलती थी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलती थी, लेकिन 2012 में उन्होंने अब 2007 तो समाजवादी पार्टी अब जो कर रही है समाजवादी पार्टी जो कर रही है देखिए समाजवादी पार्टी इसलिए कर रही है कि इस समय एक उत्तर प्रदेश में माहौल बना है, शायद मुझे नहीं लगता ऐसा माहौल है क्योंकि कोई भी एक जाति ब्राह्मण जाति ऐसी नहीं हो सकती है कि बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हो जाए चली जाए और उसके खिलाफ, तो एक माहौल बना है। तो बसपा को समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर हम सम्मेलन करेंगे मिलाएंगे बात करेंगे तो ब्राह्मणों का एक बड़ा चंक जो 10 से 11% वोट है शायद हमारे पास आ जाएगा। देखिए दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने 2017-2019 में जातीय सीमाओं को तोड़ करके एक पार्टी को वोट दिया है, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने लंबे समय तक जातिवाद के राजनीति का दंश झेला है तो क्या प्रदेश के लोग फिर से उसी जातिवाद की राजनीति में आकर के और हमारी जाति क्या है वो अगर समाजवादी पार्टी का ये हमेशा से इतिहास रहा है, हमेशा से इतिहास रहा है बिहार उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें तो जाति राजनीति रही है, जाति राजनीति रही है। 2017 ठीक है, 2017 आप सभी मेहमानों के पास आएंगे। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा में कुछ पलों के लिए रुक रहा है, हालांकि ब्रेक पर जाए उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अजीत खान साहब, कांग्रेस का कहना है कि ब्राह्मणों को सम्मान कांग्रेस ने दिया, बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मणों को सम्मान बीजेपी ने दिया। समाजवादी पार्टी कभी सम्मान न दी है न देगी, अगर देती तो फिर मुख्यमंत्री का एक चेहरा भी होता कभी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ब्राह्मण का। देखिए रोहित जी, बीजेपी ने चेहरा बनाया, आपने देखिए ब्राह्मण चेहरा बनाया और उस चेहरे के पीछे कितनी हत्याएं करा दी आपने गौर किया, जिस तरीके से ब्राह्मणों की हत्या हुई है और उनको सताया गया है, इस 4.5 साल में ब्राह्मण से ज्यादा कोई समाज पीड़ित हुआ नहीं है। हालांकि पीड़ित तो सभी समाज हुए, दलित भी हुआ, पिछड़ा भी हुआ और उसके साथ अति पिछड़ा हुआ, अल्पसंख्यक हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज हुआ। एक बात, दूसरी बात मैं बताऊं कि देखिए जो इस बार जात धर्म संप्रदाय की बात चाहे बीजेपी करे या दूसरी अन्य पार्टियां करें वो बेईमानी होगी, क्योंकि इस बार अब जात धर्म और संप्रदाय का चुनाव नहीं होने जा रहा, नहीं होने जा रहा, तभी पांच ब्राह्मण नेताओं को लेकर कमरे में अखिलेश यादव बैठ जाते हैं। आलोक अवस्थी जी, रोहित भाई, अरे रोहित नहीं, रहने दीजिए, इधर उधर की बातें ना कीजिए, अपने आप को पाक साफ ना बताइए। आलोक अवस्थी जी, मेरी बात सुन लो, आलोक अवस्थी जी वक्त नहीं है, अजीत खान साहब वक्त नहीं है, आलोक अवस्थी जी मुझे मौका दे, ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मुख्तार अंसारी है इनके ब्रांड एम्बेसडर। हमने तो साफ साफ कहा है कि देखिए जनता ने पिछले 15 वर्षों से जो है इस जातिवाद के खिलाफ जाके वोट दिया, लेकिन ये पार्टियां फिर जाकर जातिवाद की बात ही करती है। हमने सर समाज की हमेशा बात करी है, सबका साथ सबका विकास का अवधारणा से हम काम कर रहे हैं। हम अगर आज 86 लाख किसानों का ऋण माफ करते हैं तो सबका करते हैं, हम आज 40 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाकर सबको देते हैं तो हर वर्ग के लोगों को देते हैं, 2,61,00,000 शौचालय कर दिए हैं हर वर्ग को दिए हैं, अगर 1,38,00,000 बिजली के कनेक्शन दिए सबको दिए हैं। तो ये हमने जो अपराधियों का सफाया दिया है, कैसे कह सकते हैं यही उत्तर प्रदेश जिसने कब्रिस्तान पर बयान सुना, यही उत्तर प्रदेश किस तरीके से जात विशेष के उसमें रही सबने देखा, लेकिन आप ब्राह्मण वोट बैंक पर राजनीति कीजिए, समाजवादी पार्टी करे नहीं कर सकते क्योंकि ये संविधान में हक दिया, कोई कमाल नहीं कर रहा है। बलिया के अंदर इनका एक जिला पंचायत कमाल नहीं कर रहा है, ब्राह्मण नेता तो ठीक है, अवधेश जी हालांकि भविष्य तय करेगा किसके पाले में वोट बैंक किस जात का जा रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है खासकर समाजवादी पार्टी की बात करें, आखिर ये मजबूरी क्यों अखिलेश यादव के लिए बारे में इस तरह की बात करते हैं? नहीं, ये तो बहुत साफ है मजबूरी क्यों है। आपने देखा है कि यहाँ तक कि जिला पंचायत के जो चुनाव थे वो जो भी आरोप लगाएं
लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार तक नामांकन दाखिल करने नहीं गए, इनके नेता गिरगिरा रहे थे। तो जो एक हताशा की स्थिति है पूरी पार्टी में, उसमें लगता है कि भाई 10-11% है, प्रचार हुआ है कि भाजपा की सरकार में अब बताया जा रहा है कि बड़ी अत्याचार हो गए ब्राह्मणों पर, ऐसा लगता है ऐसे भारतीय जनता पार्टी एंटी ब्राह्मण है। देखिए, कोई पार्टी इस समय आज की हालत में यूपी में एंटी ब्राह्मण नहीं है, न बसपा है, न सपा है, न बीजेपी, न कांग्रेस है, कोई कोई किसी पार्टी न कोई नहीं है। इसलिए मेरा अपना, मैं जो समझ रहा हूं कि जो 2017-19 में यूपी के लोगों ने एक चेंज किया है अपने को कि जाति किसे ऊपर उठ के वोट डालो, मुझे ये लगता है कि उस पर कायम रहेंगे। एक समीकरण बसपा सपा ने जाति आप, की आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर हालांकि हर एक जाति को साधने की कोशिश हर एक पार्टी कर रही है, ये 2022 चुनाव के बाद साफ हो पाएगा कि किस जाति का वोट बैंक इस पार्टी को मिला है। कोशिश जारी है और अखिलेश यादव भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं ताकि ब्राह्मण वोट बैंक उनके हिस्से में आए, इसीलिए ये कवायद की जा रही है। लेकिन जो कोशिश हो रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है समाजवादी पार्टी जो अपनी पुरानी परंपरागत वोट बैंक है उससे कहीं ना कहीं खिसक भी रही है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, रुकते कुछ पलों के लिए अब विचार।